हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम फेज डायग्राम को समझेंगे। कूलिंग कर्व की मदद से हम समझेंगे कि फेज डायग्राम क्या होते हैं, फेज डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। कूलिंग कर्व के बारे में डिटेल से आपको समझना जरूरी है। अगर आप फेज डायग्राम को समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस दौरान मैं देने वाला हूँ। कूलिंग कर्व के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, फेज डायग्राम के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल के साथ बात करेंगे। आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, सबसे पहले हम कूलिंग कर्व के बारे में बात करते हैं कि आखिर कूलिंग कर्व क्या होता है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कूलिंग मतलब ठंडा होना। मान लीजिए प्योर मेटल है, प्योर निकल है हमारे पास, कोई भी टेम्परेचर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसे रूम टेम्परेचर तक लाना है, वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो प्योर अगर कोई मैटर रहता है तो इसी तरीके का कूलिंग कर्व उसका बनता है। सबसे बेसिक यह कूलिंग कर्व है, मेरे बगल में आप लोग देख सकते हैं और आप लोग बहुत पहले से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम निकल के साथ यहाँ पे कॉपर को मिला दिए तो केस एकदम उलट जाता है। मान लीजिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में निकल और कॉपर का मिक्सचर है और ये मिक्सचर मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में है। यह जो निकल और कॉपर का मिक्सचर है मोल्टन स्टेट में, इसके हमें ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर तक लाना है। मान लेते हैं क्यू वह पॉइंट है जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन इस मिक्सचर का स्टार्ट होता है। तो जो ये Q पॉइंट है, इसके ऊपर से जो लाइन जाती है इसे हम लिक्विडस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिडिफिकेशन होगा, यहाँ पे जो कूलिंग होगी वह कांस्टेंट टेम्परेचर में नहीं होगी। Q से R पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, Q से R तक सॉलिडिफिकेशन होगा। लिक्विड और सॉलिड फेज एक साथ एग्जिस्ट करेंगे Q और R के बीच, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। जो R पॉइंट है वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन खत्म हो जाएगा और R पॉइंट के नीचे हमें पूरी तरह से सॉलिड मिक्सचर मिलेगा। R पॉइंट से जो लाइन जाती है उसे हम सॉलिडस लाइन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं Q और R पॉइंट दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं। Q पॉइंट में अलग टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, R पॉइंट में अलग टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हमारा खत्म हुआ। और इसी तरह अलग अलग तरीके के सिस्टम के कूलिंग कर्व अलग अलग तरीके के रहते हैं। अब ये जो कूलिंग कर्व हैं, ये फेज डायग्राम बनाने के काम आते हैं। अब ये फेज डायग्राम क्या होता है? फेज डायग्राम एक तरह का इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, या फिर इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट डायग्राम भी बोल सकते हैं। फेज डायग्राम हमें बताता है कि कौन कौन से फेसेस किस टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फेज डायग्राम में जो भी फेसेस एग्जिस्ट करते हैं या तो वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं या फिर वह इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे होते हैं, पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि उनमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हुआ होता है। फेज डायग्राम में जो भी टेम्परेचर चेंज होता है हम उसे मानते हैं इनफाइनाइट स्लो होता है, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल एक्चुअल में नहीं होता। तब भी फेज डायग्राम हमें एक संभावित आंकड़ा बता ही देता है कि इस टेम्परेचर रेंज में ये वाला फेज एग्जिस्ट करने वाला है, इसलिए फेज डायग्राम इम्पोर्टेंस रखता है। अब हम यही निकल और कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास प्योर निकल है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 100% निकल है उसमें जो क्यू और आर पॉइंट है यह एक ही लाइन में आते हैं, यानी कि क्यू और आर पॉइंट में टेम्परेचर सेम है, यानी कि जो लेटेंट हीट रिलीज हो रही है वह कांस्टेंट टेम्परेचर में हो रही है। लेकिन अगर आप इसमें एलॉय मिला देंगे, कॉपर मिला देंगे उस मोल्टन मिक्सचर में, तो केस अलग हो जाएगा। क्यू पॉइंट जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन की शुरुआत हो रही है वहाँ पे टेम्परेचर अलग हो जाएगा, आर पॉइंट जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन का एंड हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर अलग हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप अलग अलग परसेंटेज में कॉपर और निकल को मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्यू और आर पॉइंट अलग अलग जगह में हमें मिलेंगे कूलिंग कर्व में। अब इस फेज डायग्राम में जितने भी क्यू पॉइंट है अगर आप उन्हें मिला देंगे तो वो बन जाएगी लिक्विडस लाइन, यानी कि जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन की शुरुआत होती है, और जितने भी आर पॉइंट है अगर आप उन्हें मिला देंगे तो बन जाएगा सॉलिडस लाइन जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन का एंड होता है। लिक्विडस लाइन के ऊपर लिक्विड फेस एग्जिस्ट करता है, सॉलिडस लाइन के नीचे सॉलिड फेस एग्जिस्ट करता है, जबकि क्यू और आर पॉइंट के बीच में लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह आप फेज डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह बेसिकली फेज डायग्राम
बनता है। और इस फेज डायग्राम में आप आखिरी में देख सकते हैं कि जब 100% कॉपर है उस समय फिर Q और R पॉइंट एक ही लाइन में है, यानी कि फिर वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब लेटेंट हीट एक्सचेंज हो रही है यानी कि प्योर मेटल है तो वहां पे लिक्विडस और सॉलिडस लाइन एक के ऊपर एक रहती है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन अगर अलॉइंग कर दिए तब क्या होता है उस बारे में तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता ही दिया है। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना बहुत जरूरी है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरह अच्छा अच्छा चीज़ें आपको जानकारी आपको दे पाता हूँ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान जय किसान।